गुड मॉर्निंग फ्रेंड, रोहित क्लासेस सपना में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में दो चैप्टर हो चुके हैं। फर्स्ट डायरेक्शन टेस्ट, सेकंड इंग्लिश अल्फाबेट। अब हम शुरू कर रहे हैं थर्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे वो इसमें काम आएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग में। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कोडिंग क्या होती है, क्या देखेंगे कोडिंग क्या होती है। कोडिंग को समझते हैं, देखिए थोड़ी। जब हम किसी बात को गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम किसी बात को गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं तो उस बात को व्यक्त करने का तरीका क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। तो जब हम किसी अपनी बात को किसी दूसरे से गुप्त तरीके से या गुप्त रूप से उसे बताते हैं तो वह उस बात का कोड हो जाता है। मतलब किस बात का, जो बात हम गुप्त तरीके से करते हैं तो उसका तरीका, बात करने का तरीका कोड कहलाता है। ठीक है, अब डिकोड की जो बात हम गुप्त रूप से करते हैं तो गुप्त रूप से कही गई बातों का वास्तविक अर्थ डिकोड कहलाता है। ज्ञात करने का तरीका जो होता है उसे डिकोड कहते हैं। लिखिए, ठीक है, गुप्त रूप से कही गई बात को वास्तविक अर्थों में प्रकट करना डिकोड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे कई टाइप होंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ है राम लिखा है, राम का कोड है 1 2 3। यहाँ लिखा है श्याम, SHYAM, इसका कोड है 9 8 7 2 3। तो इसमें पूछ लेगा कि आपसे AM का कोड क्या है, AM का। तो इसमें देख लीजिए, इसमें भी AM है, इसमें भी AM, तो क्या हो जाएगा 2 और 3, ये आंसर। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, लिखिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे हम लेटर कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? लेटर कोडिंग। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लिखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाफ को TUPQ लिखा जाता है लिखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाफ को TUPQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में तो लिखिए उसी सांकेतिक भाषा में ईवरी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, देखते हैं, करते हैं इसे हल। स्टॉप STOP, स्टाफ को क्या लिखते हैं? TUPQ। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए, लिखे जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनकी कोडिंग कर लेना। जैसे मैंने इंग्लिश अल्फाबेट में बताया था तो S का कोड हो जाएगा 19, T का 20 और इसका हो जाएगा 15, O का और P का हो जाएगा 16। ठीक, अब इसका भी कर लीजिए आप। इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 21, इसका 16 और इसका 17। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सा कोट लगा, मतलब क्या हुआ, क्या परिवर्तन है। देखिए ठीक है, समझिएगा यहाँ 19 था, 19 से 20 हुआ तो प्लस 1 हुआ। ठीक, 20 था, 20 से 21 हुआ, इसमें भी प्लस 1 हुआ। 15 था, 15 से 16 हुआ, इसमें भी प्लस 1 हुआ। 16 था, 17 हुआ, इसमें भी प्लस 1 हुआ। मतलब प्लस 1 वाली सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही? प्लस 1 वाली। ठीक है, तो इसको करेंगे ई वी ई आर वाई। इसका लिखिए कोड 5 22 5 18 25। ठीक है, एक एक बढ़ा दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 6, ये 19 और ये 26। लिख दीजिए F, इसका लिख दीजिए W, इसका लिख दीजिए F, इसका लिख दीजिए S, इसका लिख दीजिए Z। ये आपका आंसर है।
मतलब हम ईवरी को क्या लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू एल एस जेड लिख सकते हैं। करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे इसी में। लिखिए क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCUXM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाए? ठीक है, करते हैं। ई ए आर टी और एच को क्या लिखा जाता है? एफ सी यू एक्स और एम। ठीक है, कोडिंग करिए। 5 1 18 28। इसके लिए मेरा इंग्लिश अल्फाबेट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ट्रिक बताई है इंग्लिश अल्फाबेट की कोड रखने के लिए, वो बहुत जरूरी। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें क्या हुआ। कोड इसमें लगा है या जो बदलाव इसमें हुआ है वही बदलाव सुपर में करेंगे, जो तरीका इसमें लगा हुआ है तरीका सुपर में लगाएंगे। ठीक है, देखिए 5 से 6 प्लस 1, 1 से 3 प्लस 2, 18 से 21 प्लस 3, 20 से 24 प्लस 4, 8 से 13 प्लस 5। ठीक, तो इसमें 1 2 3 4 5 के हिसाब से सीरीज बढ़ रही है, +1 +2 +3 +4 +5 सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, तो हम सुपर में भी यही करेंगे, SUPER। ठीक है, करिए इसकी कोडिंग करिए। 19 21 16 5 18। सबसे पहले तो हमें कोडिंग कर लेना, कोडिंग करने के बाद जल्दी से आसानी से पता चल जाता है कि जैसे 5 है तो 5 से 6 गया तो +1 हुआ। ठीक, करिए तो 19 प्लस 1 करिए तो 20, और 21 प्लस 2 करिए 23, फिर 16 प्लस 4 करिए +1 +2 +3 +4 +5। 16 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 19। 5 प्लस 4 करेंगे तो 9, फिर 18 प्लस 5 करेंगे तो 23। अब इनके लिख दीजिए, 20 का होता है टी, 23 का हो जाएगा W, इसका S, 9 का I, 23 का W, ये आपका आंसर। करिए, ठीक है। अब अगला करेंगे, अभी प्लस कर रहे थे, अब जो अगला करेंगे उसमें माइनस होगा, है इसी तरह। अभी हम आगे बढ़ रहे थे, जस्ट एक या दो, लगभग 2 3 4 जैसे भी कोडिंग आती थी हमारी, तो आगे बढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, पीछे पीछे आएंगे। लिखिए
यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEMPER लिखिए, टेम्पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लिखिए, तो उसी सांकेतिक भाषा में एंजल को क्या लिखा जाएगा? ANGLE। क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आप तो, अब करते हैं इसे। लिखिए, TEMPER को लिखा जाता है QDOLDS। ठीक है, सबसे पहले इसकी कोडिंग करना, 20, 5, 13, 16, 5 और 18। इसकी करेंगे 17, 4, 15, 12, 4, 19। अब देखेंगे इसमें ये टेम्पर से QDOLDS कैसे बना। देखिए इसमें क्या लग रहा है, तो आप देखिए 20 से 17 तो 3 का गायब है, 5 से 4 एक का गायब है, फिर 13 से 15 +2 हो गया, फिर 16 से 12 -4 हो गया, ये नहीं लगेगा। इसमें देखिए ऐसा लगा, लास्ट वाला पहला वाला, 18 से 17 गया -1, 5 से 4 गया -1, 16 से 15 गया -1, 13 से 12 गया -1, 5 से 4 गया -1 और 20 से 19 गया -1। इसमें ऐसी कोडिंग लगी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप जब सबसे पहले कोड लिख लेंगे तो सब समझ में आ जाता है, बिना कोड लिखे नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले कोड लिखना, अक्षरों की कोडिंग करना, -1, -1, -1, -1, -1, -1 और -1। मतलब मैं बोला था ना माइनस वाली कोडिंग लगेगी, तो माइनस वाली लग रही है। इसमें भी आप कर दीजिए, एंजल ANGLE, तो इसका 1, इसका 14, 7, 12, 5। ठीक है, करिए, तो -1 तो करना सभी में, करिए, इसका हो जाएगा Z, इसका हो जाएगा M, इसका हो जाएगा F, इसका हो जाएगा K, इसका हो जाएगा D, ये आपका आंसर, करिए। ठीक है, अब टाइप सेकंड पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अब हम अपोजिट लेटर कोडिंग, टाइप सेकंड है, लिखिए।
पढ़ रहे हैं हम अपोजिट लेटर कोडिंग, थोड़े से जान लीजिए। जैसे अपोजिट लेटर कोडिंग में आएगा ए बी सी, इसके अपोजिट लिखा रहेगा। मान लीजिए जेड वाई एक्स, ए बी सी का अपोजिट क्या होता है? जेड वाई एक्स। ये कैसे ज्ञात करते हैं हम? क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब जिसका भी अपोजिट ज्ञात करना हो इंग्लिश अल्फाबेट में तो 27 से घटाते हैं। जैसे ये दिया है 1 इसका कोड, इसका 2, इसका 3, तो 27 माइनस 1 करेंगे तो 26, 26 किसका होता है? जेड का। ठीक इसी तरह 27 माइनस 2 करेंगे तो 25, 25 किसका होता है? वाई का। इसी तरह 27 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 24 किसका होता है? एक्स का। तो अपोजिट हम किस तरह ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन लिखे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को NLW NLWBIM लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? NLWBIM लिखा जाता है तो उसी कूट में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को NLWBIM लिखा जाता है तो उसी कूट में प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा? मतलब उसी सांकेतिक भाषा में प्रॉपर को क्या लिखेंगे? देखिए करते हैं, एम ओ डी ई आर एन, मॉडर्न को लिखता है एन एल डब्ल्यू वी आई आर एम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वही तरीका कोडिंग, इसका 13, इसका 15, इसका 4, इसका 5, इसका 18, इसका 14, फिर इसका 14, इसका 12, इसका 23, इसका 22, इसका 9 और इसका 13। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, 13 और 14, मतलब एम का विपरीत एन होता है। सबसे पहले हम अगर इसको जोड़ भी देंगे तो 27 आ जाना चाहिए, 13 प्लस 14 जोड़ रहे हैं 27 आ रहा है। ठीक, अगर हमको ऐसे नहीं निकालना तो सीधे कर लेंगे पता करने के लिए कि 27 माइनस 13 14 आ रहा है, मतलब अपोजिट सीरीज लगी है। इसी तरह सेकंड नंबर में करेंगे तो 27 माइनस 15 तो 12 आ रहा है, 14 और 12 मिल गया। इसी तरह 4 है, 27 माइनस 4 करेंगे तो 23 आ रहा। ये
मतलब अपोजिट सीरीज लगी, तो हम भी प्रॉपर में अपोजिट लगा देंगे, अपोजिट सीरीज पढ़ ही रहे हैं हम, अपोजिट लेटर कोडिंग, तो उसके अपोजिट ही पूछेगा, पर पेपर में ना बताएगा कि अपोजिट पूछ रहा। यहाँ तो ठीक है, टाइप में पढ़ रहे हैं टाइप टू अपोजिट लेटर कोडिंग, आपके समझने के लिए है, देख लीजिएगा, विपरीत दिख रहा तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो घटा के देख लीजिएगा। हाँ तो इसका लिखिए 16, 18, 15, 16, 5 और 18। अब इसका लिखना है अपोजिट, तो 27 माइनस करिए 16, तो आ जाएगा 11। इसका क्या हो जाएगा, 11 का के 18, 18 का आ मतलब आर का निकाले हैं, आर का निकला है आई, इसी से लिख लेते हैं आई, और ओ का भी निकला है, ओ का होता है एल, ये भी लिख लेते हैं, पी पी का तो अभी हम निकालेंगे के होता है, ये भी लिख लेते हैं, ई का भी ये लिख लेते हैं, और आर का आर ये है उसका आई होता है, ये क्या हो गया, बन गया हमारा आंसर। तो अपोजिट वाले में हम इस तरह करते हैं, करिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, लिखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को VOV GS लिखा जाता है, तो उसी कोट में चेयर को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को VOV GS लिखा जाता है, तो उसी कोट में चेयर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है करते हैं, लिखिए स्टाइल STYLE, स्टाइल को लिखा जाता है VOVGH, ठीक है कोडिंग करिए 19, 20, 25, 12, 5, 22, 15, 2, 7, 8, ठीक है। अब देखेंगे इसमें किस प्रकार कोडिंग लगी, तो अपोजिट तो पढ़ रहे हैं लेकिन अपोजिट में भी चेंज कर देता, कभी कभी यहाँ का अपोजिट यहाँ लिखना पड़ता है, मतलब इसका यहाँ पहुंच जाएगा, इसका यहाँ पहुंच जाएगा, देखिए क्या होता है, शुरू से देखिए 19 से 22, ये तो होता नहीं, 19 और 22 जोड़ेंगे तो 27 होगा, नहीं फिर इसमें ये भी नहीं, अभी 10 लास्ट से देखते हैं, तो 5 प्लस 22 करेंगे तो 27 हो जाएगा, मतलब ये इसमें ये लगा, ठीक। तो क्या करेंगे अब, अपोजिट है चेयर में भी यही करेंगे, लिखिए चेयर, इसकी कोडिंग करिए 3, 8, 1, 9, 18, ठीक है अपोजिट लिखिए इसका, 3 है, 27 से माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 24 का लिख दीजिए एक्स, 8 है, 8 को घटाएंगे तो करिए 8 का क्या आ जाएगा बताइए, इसमें आ जाएगा 19, तो इसका क्या करेंगे, 19 का एस होता है और 1 का तो जेड आ जाएगा, ए का आई का
आई क्या करिए, 27 माइनस माइनस 9 करिए, और यहाँ करिए आर का, तो आर का यहाँ देखिए कहीं दिया था 18, 18 में 9 आई आएगा इसका, और इसका 18 आएगा, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो इसका 18 का लिखेंगे आर। ठीक है, इसका आई और इसका आर। तो अब हमको इसके रूप में सेट करना है, ये तो ठीक है, लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, तो हमको इसके रूप में सेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का लास्ट था, लास्ट का फर्स्ट था, ये लास्ट का वहां फर्स्ट था, तो ये इसका लिख देंगे आई आर, फिर उसके बाद जेड एस एक्स। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें सेट भी तो इसी के हिसाब से करना है ना, जैसे अपोजिट तो निकाला है, लेकिन लास्ट का फर्स्ट और सेकंड लास्ट का सेकंड फर्स्ट, थर्ड लास्ट का थर्ड फर्स्ट, इसी तरह इसको भी सेट करेंगे। ठीक है, करिए। ठीक है, अब अगला टाइप पढ़ेंगे, अगले टाइप में पढ़ेंगे हम मिक्स डिकोडिंग, मतलब किसी में दो बढ़ाएगा किसी में चार बढ़ाएगा, सब मिक्स रहेगा। लिखिए टाइप थ्री, मिक्स्ड कोडिंग या मिक्स्ड पैटर्न पर आधारित कोडिंग। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को लिखिए, किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को जी जी जे सी वी आर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, जे जी जे सी वी आर लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लिखिए एडजेक्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, उसी तरह करेंगे जिस तरह पुराने क्वेश्चन किए हमने, बस थोड़ी सी इसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा, मिक्स्ड रहेगा, कहीं दो बढ़ेगा तो कहीं तीन बढ़ेगा। ठीक है, करते हैं, लिखिए डाइजेस्ट डी आई जी ई एस टी, डाइजेस्ट को क्या लिखता है, जी जी जे सी वी आर। ठीक है, कोडिंग करिए 4 9 7 5 19 20, 7 7 10 3
22, 18। ठीक है, देखेंगे। 4 से 7, फिर 9 से 7, मतलब पहले 3 जोड़ा, फिर 2 घटाया। ठीक है, देखिए 4 से 7 हुआ प्लस 3, 9 से 7 हुआ -2, फिर 7 से 10 हुआ प्लस 3, फिर 5 से 3 हुआ -2, फिर 19 से 22 हुआ प्लस 3, फिर 20 से 18 हुआ -2। कौन सी सीरीज चल रही है? एक बार प्लस जोड़ रहा है, एक बार -2 कर रहा है, एक बार +3 जोड़ रहा है, एक बार -2 कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट का ज्ञात करेंगे। लिखिए ADJECT, इसका कोड लिखिए 1, 4, 10, 5, 3 और 20। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे 3 और एक बार घटाएंगे 2। तो +3 -2, +3 -2, +3 -2, यही चलेगा। तो 1 + 3 करेंगे 4, 4 में 2 घटाएंगे 2, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 × 3 = 6 और यहाँ 18। ठीक है, अब लिख देंगे 4 का D, 2 का V, 13 का M, 3 का C, 6 का F और 18 का R। ये आंसर। ठीक, करिए। ठीक है, अब अगला टाइप पढ़ेंगे। इसमें इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, आपसे बन जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम क्रॉस लेटर पैटर्न पर आधारित कोडिंग। ठीक है, देखते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप 4, क्रॉस लेटर कोडिंग। क्या? क्रॉस लेटर कोडिंग। अब हम टाइप 4 में क्रॉस लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल को लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल्स को EPN, TMF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लिखिए, तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखा जाएगा? VER VAL को क्या लिखा जाएगा?
क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, इसको करते हैं, लिखिए। एम ओ डी ई एल आर एस, मॉडल्स। इसको लिखा गया है ई पी एन टी एम एफ। थोड़े से समझिए, क्रॉस लेटर कोडिंग में जैसे ए बी सी तीन लेटर हैं, तो इसकी कोडिंग ऐसे चलेगी ये। चार लेटर हैं ए बी सी डी, तो इसकी यहाँ और इसकी यहाँ फर्स्ट में और ये सबसे लास्ट में। पांच लेटर हैं ए बी सी डी और ई, तो इसका सेम रहेगा और इसका सबसे पहले, इसका सेकंड में, इसका सबसे लास्ट में, इसका सेकंड में, इस तरह। समझिए इसे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो लिखिए इसमें, कोड करिए। 13 15 4 5 12 19, 5 16 14 20 13 6। देखिए इसको क्या किया है, सिक्स लेटर हैं तो बीच से डिवाइड कर दिया, फिर वही थ्री वाली कोडिंग कर दिया। इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक। लेकिन इसमें क्या किया, प्लस वन किया साथ। 4 1 5, 13 1 14, 15 1 16। ठीक है, इसको भी इसी तरह करेंगे। ठीक, मतलब इसमें क्रॉस कोडिंग लगी, हम क्रॉस लेटर कोडिंग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्रॉस कोडिंग के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कितना बढ़ाया है। 4 से 5 एक बढ़ाया है, 13 से 14 एक बढ़ाया। कभी कभी सेंटर वाले को इट इज लिख देता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, या कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को बढ़ाएगा, इसको घटा देगा, तो हमें ध्यान में रखना है। तो बराबर का करेंगे, वी आर वी ए एल, तो कोड लिख लीजिए 22 5 18 2 1 12। 20 से डिवाइड कर दीजिए, इसका यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे और इसका यहाँ लिखेंगे, प्लस वन करके, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, प्लस वन करके। ठीक है, करिए। तो इसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा एस, ई का हो जाएगा एफ, बी का हो जाएगा डब्ल्यू, एल का हो जाएगा एम, ए का हो जाएगा बी, बी का हो जाएगा सी। ये आपका आंसर करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, और इसमें से एमपी पुलिस कांस्टेबल में जैसे 4 5 नंबर का पूछ लेता है, हर एग्जाम में पूछता है, लेकिन कांस्टेबल वाले में कुछ ज्यादा ही पूछता है, बाकियों में से 2 3, लेकिन इसमें 4 5 भी कर देता है। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर SHOULDER को BPITQDQDCK
तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा? MORNING। क्वेश्चन लिखिए, करते हैं, लिखिए शोल्डर, SHOULDER। ठीक, कोडिंग शोल्डर को क्या लिखा जाता है? VPITQDCK। ठीक है, कोडिंग करिए। 19, 8, 15, 21, 12, 4, 5, 18। यहाँ है 22, 16, 9, 20, 17, 4, 3 और 11। देखिए क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है, तो पहले देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड लास्ट का, ऐसे तो कुछ किया नहीं। फिर मेरे को तो नजर आ गया, आप लोगों को आया क्या? डिवाइड किया है इसको भी, और इसका ये और इसका ये, प्लस 1 करके इसमें ही प्लस 1 किया। ठीक, इसका देखते हैं, जब इसमें ये किया है क्रॉस, तो उसमें भी क्रॉस इसी तरह किया होगा, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि माइनस कर दिया है। इसमें -1 कर दिया। 18 से 17 में आए हैं, 5 से 4 में आए हैं, 4 से 3 में आए हैं और 12 से 11 में। इसमें सभी में प्लस कर रहा था, 21 से 22, 15 से 16, 8 से 9, 19 से 20। ठीक है, तो यही करेंगे मॉर्निंग में। लिखिए मॉर्निंग, MORNING। ठीक, MORNING। ठीक है, लिखिए। ठीक है, इसमें 7 अक्षर आ रहे हैं, MORNING, मॉर्निंग्स है। ठीक है, करिए वही, ये इसका ये इसका ये, पहले इसका कर लीजिए ये। इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये, तो इसमें -1 करेंगे और इस वाले में +1 करेंगे। कोडिंग करिए, 13, 15, 18, 14, 9, 14, 7 और 19। वैसे जब एक बढ़ाना हो तो कोडिंग करने की जरूरत भी नहीं रहती, लेकिन कर लेते हैं, आसानी रहती है। तो इसका हो जाएगा O, R, S, O, P, M, N। ठीक है, इसी तरह इसका करेंगे, तो S से एक कम करेंगे तो R, F, G से एक कम करेंगे तो G, और N से एक कम करेंगे तो M, और I से एक कम करेंगे तो H, जो कि हमारा आंसर है। ये आंसर है OSPNRFMH। मतलब हम मॉर्निंग्स को क्या लिखेंगे? OSPNRFMH।
ठीक है, बाकी अगली क्लास में होगा। थैंक यू।